चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो डी ब्लॉक में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने डिस्कशन किया हूँ। इसके बाद आयनिक साइज के बारे में, मेटेलिक कैरेक्टर, कलर और आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। मेटेलिक कैरेक्टर के बाद में हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो चलिए एक ही टॉपिक पे हम डिस्कशन करते जा रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से समझते जाइए। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि मटेरियल कैरेक्टर के बारे में। मटेरियल तो सबसे पहले हम बात करें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका नेचर क्या होता है, क्या होता है मेटेलिक करेक्टर होता है। तो जो डी ब्लॉक मीन्स ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनकी जो मेटेलिक करेक्टर होगी वो एस ब्लॉक से क्या होगी, कम होगी। तो पॉइंट सुनना, मीन्स मेटेलिक करेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज लेस देन एस ब्लॉक। एक एक पॉइंट सुनना, मेटेलिक करेक्टर मतलब क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसका मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। याद करें मैंने 11 में बताया था कि जो एस ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक का मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं, एस ब्लॉक क्या होते हैं, मेटल होते हैं। वहां मैंने डिस्कशन किया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो ये सब हमारे क्या मेटेलिक करेक्टर। लेकिन अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा लिथियम का साइज ये होगा, ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होगा तो बढ़ेगा, और सीजियम की साइज क्या होती है, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे साइज क्या है, लिथियम की साइज क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे सीजियम की साइज क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, और यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, सीजियम, क्योंकि यहाँ पे आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इसका अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। जब अट्रैक्शन वीक होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सीजियम देगा। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन क्या ज्यादा है तो यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पर समझिएगा लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना लेगा, एल आई प्लस। सीजियम भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना लेगा, सीजियम प्लस। लेकिन सीजियम का मेटेलिक करेक्टर लिथियम से ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि साइज क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर अट्रैक्शन वीक होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेटेलिक करेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं लेस देन एस ब्लॉक। तो क्यों, पॉइंट सुनना, आप टेबल देखे होंगे, पीरियडिक टेबल में ये आपका एस ब्लॉक होता है, यहाँ पर क्या होता है डी ब्लॉक होता है, और यहाँ पर क्या होता है डी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं साइज क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। तो साइज इंक्रीज होने पर मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट समझ में आया होगा कि मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। बात समझ में आ रही। तो ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेफ्ट राइट जाएंगे साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी जो साइज होती है एस ब्लॉक से क्या होगा, स्मॉल होगा। मीन्स यहाँ पे देखिए ये हमारा एस ब्लॉक होगा, एक्स ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, और ये हमारे क्या होंगे, डी ब्लॉक के होंगे। ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और ये हमारे क्या होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। तो एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट मेटल होंगे उनकी साइज क्या होगी, लार्ज होगी। तो यहाँ पे इनके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे इनके साइज क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एस ब्लॉक वाला। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन
कम है, इसलिए एस क्लास के जो एलिमेंट होते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर डी क्लास से ज्यादा होता है। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि जो एस क्लास के होते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा क्यों होता है डी क्लास से, इसका रीजन क्या बताएंगे, ये एस क्लास होंगे इनका जब स्मॉल साइज, आपको पता है लेफ्ट राइट जाते साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, जैसे साइज डिक्रीज हो रही है तो अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो डी क्लास के एलिमेंट होंगे उनकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई ईयर वैल्यू। आज समझ में आ रही, तो जो डी क्लास के एलिमेंट होते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होता है, इनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो इसको आप लोग फटाफट नोट करिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड में बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे एक एक पॉइंट समझना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सारे एक एक रीजन को आपको अच्छे से, जितने भी रीजन है अच्छे एक एक रीजन को समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक पॉइंट सुनना, स्कैडियम से क्रोमियम, याद करिए यहां पर देखेंगे स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जी। स्कैडियम की बात करें D1 होता है बच्चों, टाइटेनियम की बात करें D2, वेनेडियम की बात करें D3, क्रोमियम की बात करें D5, 4S1, मैंगनीज की बात करें D5, बाकी सब में क्या होगा D1S2, D2S2, D3S2, D5 4S1, यहाँ पर D5 इसका क्या होता है S2, यहाँ पर क्या होगा D6, यहाँ पर D7, D8, D9, D10। स्कैडियम की बात करें जीन कितने आर्टिकल होते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। D1 मतलब यहाँ पर पेयर कितने होंगे 1, यहाँ पर पेयर 2, 3, 5, यहाँ कितने पेयर 6 एक्टेड होंगे D5, 4S1। तो यहाँ पर स्कैडियम से क्रोमियम तक 1 पेयर 2, 3, 6, बात समझ में आ रही है। मैंगनीज, मैंगनीज कितने एंपियर होंगे 5, आयरन कितने एंपियर होंगे 4, क्योंकि D6 है तो D6 में समझना बच्चों, D6 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक एक चीज समझते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने एंपियर बचे 4, यहाँ पर एंपियर कितने हुए 4, यहाँ पर एंपियर कितने आएंगे 3, 2, और यहां से क्या होता है D10 होता है D10 4S1, यही होता है। यहां पर पेयर कितने होंगे 1 और यहां पर कितने होंगे 0। एक एक लाइन को बच्चों समझना, यहां से आपको जब पूछा जाता है स्कैडियम से मैंगनीज तक, आप देख स्कैडियम से क्रोमियम तक देख रहे हैं आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1, 2, 3, 6, यहां पर 6 का मतलब 3D5 4S1 होता है, फिर मैंगनीज का 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्कैडियम से क्रोमियम तक आपका नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही, जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है फिर क्रोमियम से लेके फिर यहां पर देखिए 4, 5, 3, 2, 1, 0 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही। अब एक पॉइंट समझना, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, क्योंकि मेटल है तो मेटल में कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, मींस यहां पे मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी। अब मेटल मेटल बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एस ब्लॉक से ज्यादा होता है। एस ब्लॉक से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि
जो एस ब्लॉक भी होते हैं वो भी मेटल होते हैं, डी ब्लॉक भी वो भी मेटल होते हैं। यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। और मेटल मेटल बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगा। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एस ब्लॉक में एल्कली अर्थ एक अनपेयर्ड होगा, एल्कली अर्थ में टू अनपेयर्ड होगा। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होते हैं, एक से कितने मैक्सिमम पेयर हो सकते हैं? मैक्सिमम सिक्स अनपेयर्ड। मीन्स एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के एक एक लाइन में सुनना बच्चों, जो एस ब्लॉक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक से क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होगा? वीक होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कितने एम्पेयर हो सकते हैं? दो। डी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। एक एक लाइन को सुनना, पॉइंट को सुनना। तो यहाँ पे स्कैंडियम से क्रोमियम से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, क्रोमियम के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घट रहा है। मीन्स स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या? मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। यदि मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ रहा है तो गेट इफेक्टिव भी बढ़ता है और आपका बॉन्डिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एक एक पॉइंट को सुनना, सारे पॉइंट को लिखा है। तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट बॉन्डिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉन्डिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। आपने देखा स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फिर क्रोमियम के बाद क्रोमियम से जिंक तक अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पॉइंट सुनना, स्कैंडियम से क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, फिर क्रोमियम से जिंक तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होगा? मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब क्रोमियम से जिंक तक की बात करें तो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाएंगे, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर आप क्रोमियम से जिंक की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और वॉल्यूम पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक एक लाइन को बच्चों समझना, यहाँ पे लिखा भी देंगे। स्कैंडियम से क्रोमियम तक जा रहे हैं D1, D2, D3, D5, 4 ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 1, 2, 3, 6। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगा, बॉन्डिंग मतलब क्या? अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट भी बढ़ेगा। आपसे पूछा जाएगा स्कैंडियम से क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और वॉल्यूम पॉइंट भी आपका बढ़ेगा। फिर क्रोमियम से जिंक की तरफ आते हैं, मैंगनीज में कितने अनपेयर्ड होंगे? 5, आयरन में 4, कोबाल्ट में 3, निकेल में 2, कॉपर में 1, जिंक में 0 अनपेयर्ड। तो जब क्रोमियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या घट रहा है, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या डिक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग भी घटेगा, मींस मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। इतना पॉइंट को नोट करिए, आगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। नोट कर लिए होंगे, चलिए। तो यहाँ पर आपको ग्राफ क्या दिखा हुआ है, स्कैंडियम से क्रोमियम बढ़ा फिर आपका घटना शुरू हो गया। तो यहाँ पे एक चीज अभी ग्राफ समझा रहे हैं, नोट करिए। देखिए ग्राफ में क्या है, पहले समझना। स्कैंडियम से क्रोमियम तक आप देखेंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फिर
फिर यहां पे आपका मैंगनीज आ जाता है, फिर इसके बाद ये ग्राफ मिलता है। नोट करिए, यहां पे देख रहे हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम से क्रोमियम, मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम हो जाता है, इसका भी रीजन बता रहे हैं। क्या लिखेंगे, टिपिकल अभी लिखा दे रहे हैं स्ट्रक्चर। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो स्कैंडियम से क्रोमियम बढ़ा, फिर थोड़ा सा यहां पे ग्राफ क्या है, देखिए स्कैंडियम क्रोमियम यहां पे मैंगनीज, फिर आपका जिंक। बात समझ में आ रही, यहां पे एक एक पॉइंट। अब एक एक चीज देख रहे हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम बढ़ा, फिर मैंगनीज से थोड़ा सा कम हुआ, फिर आपको एक ग्राफ मिला। तो मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, रीजन क्या आप यहां पर बताएंगे, टिपिकल स्ट्रक्चर। अब पॉइंट चुका एक पॉइंट पर, यहां तक ये समझ में आ गई होगी। आप सिर्फ बात करें जो 3D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 4D और 4D से ज्यादा क्या होता है 5D, इसका रीजन क्या होता है, जब 3D से 4D या 4D से 5D जाएंगे आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब यहां पर स्कैंडियम के नीचे देखिएगा क्रोमियम ऊपर क्या होगा, मॉलिब्डेनम MO, स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे क्या होगा यहां पे कैडमियम मॉलिब्डेनम दिस, फिर यहां पे लैंथेनम TC होगा। ये आपका 3D सीरीज का है, ये आपका 4D सीरीज का है, ये आपका 5D क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन। यहां पे देखिएगा तो देखेंगे आप बच्चों, देखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम नीचे क्या होता है मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम नीचे क्या होता है टंगस्टन होता है, मैंगनीज, मैंगनीज है TC, TC नीचे रिहेनियम। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो यहां पे स्कैंडियम का क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे मैंगनीज, फिर आपने ग्राफ होकर यहां पे आ रहा है। स्कैंडियम के नीचे क्या होता है, स्कैंडियम इटरबियम लैंथेनम, यहां पे इटरबियम क्रोमियम को मॉलिब्डेनम, फिर यहां क्या आ जाएगा TC जिंक, नीचे क्या होगा कैडियम मर्करी, यहां पे लैंथेनम टंगस्टन मैग्नीशियम टेक्नीशियम, यहां पे क्या होगा रिहेनियम जिंक कैडियम मर्करी। एक ग्राफ आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D देख रहे होंगे, मतलब क्रोमियम के ऊपर मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम पर टंगस्टन। पास में तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन। अब पूरे पीरियडिक टेबल का डी ग्राफ की बात करें तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपका 5D सीरीज है, ये आपका 4D सीरीज है, ये आपका 3D सीरीज है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज्यादा टंगस्टन मॉलिब्डेनम फिर क्रोमियम, बात समझ में आ रही। अब यहां पर मैंने बताया 3D ज्यादा 4D, 4D ज्यादा 5D, आपसे पूछा जाता है कि जिंक कैडियम मर्करी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, मीन जिंक कैडियम मर्करी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, क्यों, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 0, बात है। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगा बहुत वीक होगा, बात समझ में आ रही है। मीन इनका पूछा जाता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम क्यों होता है, यहां बताएंगे कि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहां पर मेटेलिक सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, मर्करी हमारा क्या होता है लिक्विड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहां पे क्या होता है सबसे ज्यादा जिंक, जिंक के बाद कैडियम, कैडियम के बाद क्या होता है मर्करी, इसको आप नोट करिए।
और दूसरा आपको एक्सेप्शन मिलता है कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद क्या होता है सिल्वर, ये दो आपके एक्सेप्शन होते हैं, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा होना क्या चाहिए। सबसे पहले गोल्ड करेंगे, सबसे पहले किसका था कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर, इसको आप नोट करिए, यहाँ पे जिंक कैडमियम मर्करी ये दो आपके एक्सेप्शन है। बात समझ में आ रही है? तो आपसे बस एक चीज पूछा जाता है कि जिंक कैडमियम मर्करी का मेटिंग पॉइंट सबसे कम क्यों होता है, तो रीजन क्या बताएंगे, इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है तो यहाँ पे मेटिंग पॉइंट क्यों वीक हो। क्रोमियम और लेड कंडक्शन का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे नंबर, यहाँ पे क्रोमियम कितने होते हैं 6, मॉलिब्डेनम में 6, कंडक्शन कितने होते हैं 6, इस वजह से इसका मेटिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी, चलिए आगे नोट करिए। अब मैंगनीज या मैग्नीशियम टेक्नीशियम, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट जो होती वो क्या होता है अनएक्सपेक्टेड से कब क्यों होती है, तो नोट कर लीजिए, इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन मैंगनीज, मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d5 4s2, मैंगनीज नीचे क्या होता है Pc टेक्नीशियम, तो इन मैंगनीज द अनएक्सपेक्टेड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज आगे नोट करिए, ये क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज अनअवेलेबल टू फॉर्म मेटेलिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स अगर बात करें मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है अनएक्सपेक्टेड से कब क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, तो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ साथ ये हमारा मेटेलिक और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, तो चलिए इतने पॉइंट को नोट करिए, आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा, 3D से 4D, 4D से 5D आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, डिफेक्टिव बढ़ेगा। जिंक कैडमियम मर्करी की बात करें, सबसे ज्यादा जिंक कैडमियम मर्करी होता है, यहाँ पे आपका गोल्ड सिल्वर होता है, बाकी सीरीज आपको वही होगा। जिंक का सबसे कम क्यों होता है, जिंक कैडमियम मर्करी का कम क्यों होता है, जिंक कैडमियम मर्करी का कम क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, यहाँ पर मेटिंग पॉइंट वीक होगा। कॉपर सिल्वर गोल्ड की बात करें, कॉपर सिल्वर गोल्ड का ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ साथ ये हमारा क्या बना लेता है कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। बस मैग्नीशियम टेक्नीशियम टिपिकल स्ट्रक्चर क्यों देते हैं, टिपिकल मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम इस वजह से होता है क्योंकि ये हमारे मेटेलिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो चलिए इतनी पॉइंट आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अब एक पॉइंट सुनना बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अब इसको समझने की कोशिश करना। एंथैल्पी का अपना डेफिनेशन नोट करिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मेटेलिक क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल्स एटम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मेटेलिक क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल्स एटम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पॉइंट सुनना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? जो हमारे मेटल होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल की बात करें, जैसे हमारे जो मेटल होंगे ये हमारे क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होते हैं। आपको जब सारे वाला चैप्टर बताएंगे तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये हमारे क्या है, मेटल। एक एक पॉइंट सुनना, अभी हम आपको और अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमारे क्या होंगे बच्चों, मेटल के फॉर्म में होंगे। अभी एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहां पर मेटल आपने क्या ले लिया, सिल्वर ले लिया, ए जी। ये हमारे क्या मेटल के फॉर्म में दिए गए हैं, Ag और Ag। ये हमारे क्या मेटल जो है क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में दिया गया है। किसमें दिया गया दोस्तों, लैटिस के फॉर्म में। अब क्या करना है, इस मेटेलिक क्रिस्टल को या लैटिस को किसमें चेंज करना है, इंडिविजुअल एटम में। अब क्या करना है आपको, इस क्रिस्टल क्या करना है, ब्रेक करना है। इस क्रिस्टल क्या करना, ब्रेक करना है। तो ये जो बॉन्ड है इनके बीच बॉन्ड बने हुए, ये बॉन्ड बने हुए देख रहे होंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए इस मेटेलिक क्रिस्टल को किसमें चेंज करने के लिए, इंडिविजुअल एटम में। आप क्या करिए, इसको ब्रेक करिए, इधर करिए, ये बॉन्ड को तोड़िए। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब इस मेटेलिक क्रिस्टल को किसमें चेंज कर देना, इंडिविजुअल एटम में, मीन्स इसमें सिल्वर में चेंज कर दे। इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यहाँ पे सिल्वर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिल्वर एक दूसरे क्या है, लैटिस के फॉर्म में। अब क्या करना है, इससे एक एटम को निकाल को आप अलग करना है, सिंपल एक एटम बनाना। इनके बीच बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, मेटल मेटल बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड को तोड़ना है, जैसे चाक है इसमें बहुत सारे चाक के पार्टिकल्स होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे, इनको आपको ब्रेक करना। ब्रेक करने की क्या करेगा, आप एनर्जी देंगे, जितनी एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, रोमियम, तो यहाँ पर कर देते हैं 1, 2, 3, 5। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का बढ़ेगा। अब पॉइंट सुना, एंथैल्पी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों बढ़ता है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो जब अनपेयर्ड बढ़ेगा तो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। जब मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगा, मीन दो मेटल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका एडियम जो क्रोमियम तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड बढ़ेगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगा, जब मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर नोट करिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, फिर हम कैटलिटिक प्रॉपर्टी एलॉय के बारे में, इंटरस्टीशियल कंपाउंड बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपका डीप ब्लॉक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और एक लेक्चर का आपका एफ ब्लॉक है। तो आज के इतना ही, थैंक यू।